हैदराबाद में जुनूबी एशिया के लेखक सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार शाह के वाघा बार्डर से पाकिस्तानी इदारन की हिरासत में आज़ादी लाए हैदराबाद प्रेस क्लब आडो सिविल सोसाइटी हैदराबाद के अगवान ज़ुल्फ़िकार हालीपोटो इंसानी हक़न की तंजीम हैदराबाद के कोआर्डिनेटर प्रोफेसर इमदाद चांजो दानिश्वर ताज जो वकील मोहबादाद लिगारी वारसन एहतजाजी बुखरताल कई ज़ुल्फ़िकार शाह के पाकिस्तानी इदारन हिरासत बाबत अगवान वारसन ज़ुल्फ़िकार शाह पंहिंजी तबियत की बेहतरी लाए हितां खां भारत वयो जै बाद वो पाकिस्तानी सफारतखाने में क्लियर करार थे इदारन की रजामंदी से ही 4 नवंबर से वापस थो जैसे पाकिस्तान के वाघा बार्डर तां इदारन पुछा गछा लाए पंहिंजी तहवील में वठण बाद खेन खबे गुम कर छो है पर वाघा बार्डर तां उनके मन तहवील में वरतो वयो है जो तो मुखे उनन छडे दिनो ज़ुल्फ़िकार शाह के उते उनन कलाक जो चे तो कलाक में वो अची विंदो पर वो कलाक में कोन आयो पो वरी उनन जो वर्जन आयो तो कला सुबह जो ही दो सुबह जो वठन अचो पर अस फोन कंदा रहा छो तो वाघा बार्डर 4 नवंबर से खुलो हो हर महीनों शायद एक वगे एक दफो ही खुल उन ज़ुल्फ़िकार शाह को फोन पहुंतो और असि पुछू तो कंखा पुछो तो उन ऑफिस में अंदर ही इमिग्रेशन ऑफिस वाघा बार्डर ही उनके तहवील में वरतो वो ज़ुल्फ़िकार शाह बीमार हो लाफुली पाकिस्तान पे अचे उनके वाघा बार्डर तां इमिग्रेशन में उनके तहवील में वही गायब कर छो अन 4 नवंबर से ज़ुल्फ़िकार की तबियत भी सही ना है उनके मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है इन करे असा अपील था कयूं पंहिंजे ह्यूमन राइट्स इदारन के आर्मी के एजेंसी के पाकिस्तान जो जेके एजेंसियों असान जो आहे पर असा ते रहम कन असा जे भा के मेडिकल ट्रीटमेंट जी जरूरत आ उनके आजाद कन अगर हुन जो को डो आहे तो उनके कोर्ट में आणन उते जाहिर कन तो उनते केड़ो डो आहे बाकी ये उनके तहवील में वठी गायब करण यो बिल्कुल गलत आहे असा अपील था कयूं पंहिंजे आर्मी के इंटेलिजेंस एजेंसीज के ह्यूमन राइट्स के दारन के त मदद कन असा जे वा ज़ुल्फ़िकार के आज़ाद कराए सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह जेको नामियारो लेखक सहाफ़ी इंसानी हक़न जो अॻवान ऐं ॾखण एशिया में अमन ऐं आज़ादीअ जी ॻाल्हि कंदड़ शख़्स हो जेको कुझु साल अॻे हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इलाज लाइ हिंदुस्तान वियो हो ऐं उन उते काफ़ी अरसो उनजो इलाज में गुज़रियो पर उतां जे हुकूमत उनखे काफ़ी टेंशन ॾिनो उतां जे इदारनि उनखे टेंशन ॾिनो उन करे हुन वापसि अचण लाइ पाकिस्तानी सफारतखाने में दरख़्वास्त ॾिनी ऐं पाकिस्तान हितां जे उनजे दोस्तनि पाकिस्तान हुकूमत सां राब्तो कयो नतीजतन हुनखे क्लियर करे उनखे इजाज़त ॾिनी वई ऐं त हू पंहिंजे मुल्क अचे ऐं हुनखे इहा सफ़री दस्तावेज़ ठाहे हुनखे ॾिना विया ऐं हू वाघा जी सरहद क्रॉस करे पंहिंजे घरवारीअ सां गॾु जीअं लाहौर पहुतो त इमिग्रेशन खां पोइ कुझु सरकारी सिविल ड्रेस में कुझु अहलकार उनखे कलाकनि लाइ तहवील में वठी विया पर बाद में उहा तहवील 8 कलाकनि तां वधी वई ऐं हुनजी घरवारीअ खे चयो त बाबा हीउ कहिड़ो तरीक़ो आहे ऐं चयो त तव्हां वञो हुनखे सुभाणे छॾींदासीं हुनजा अज़ीज़ हैदराबाद मां हुनखे वठण लाइ पहुता हुआ जीअं उते पहुता हुनजी घरवारीअ खे उन्हनि जे हवाले करे हुनखे गाॾीअ में खणी हलिया विया 4 नवंबर खां अॼु ताईं ऐं हुनजे बारे में का ख़बर न आहे हू ज़हनी तरह सख़्तु बीमार हो ऐं हुनजी जान खे ख़तरो आहे पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स
कुछ बसा इंस्टिट्यूशंस उन्होंने क्लियरेंस उन्होंने रजामंदी से ट्रेवल डॉक्यूमेंट वी परमिशन से पाकिस्तान दाखिल थो अस उन शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली फॉरेन मिनिस्ट्री का मुख्तलिफ इदार खास तौर से शाह महमूद कुरी साहब ने मेला इंट्रेस्ट वरतो असान दोस्त लाल माली एम एन ए उन थ्रू अस मिली अस बुदायसी तो मेडिकल जहाँ इशूज कुछ हेल्थ जहाँ इशूज साबित थे तो उन ट्रेवल डॉक्यूमेंट ठाया हाँ अची आया पाकिस्तान पर खबर नी पे किथेन तो डिमांड ये ही है पीसफुल सिटीजन है उनसा कुछ हेल्थ या इशूज आ जैसे कर कुछ अड़न मामलों में अची वो तो हाँ वाय विल पाजी रजामंदी से गाले कर मुल्क में दाखिल थो है तो उनके नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ उनमें पेश वे बो न फैमिली जी उनकी डिमांड है असें एक्सेस दिनी वे को मसलो है तो असट में बुधा वे तो यह पीसफुल जस्ट डिमांड है वो एक शहरी आने मुल्क जो तो यह असड़े इंसानी कारकुन के हकन के कारकुन तौर भी मुझी डिमांड है फैमिली वा भी वेठा सिविल सोसाइटी वेठी है तो उनके रिलीज कर वे नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ में पेश वे फैमिली की फिलहाल एक्सेस कई वे तो उन्होंने खबर पे तो है किथे तो आखिर छाजे करे उनके हिरासत में वतो वियो आ उकड़ो बीमार आ असा त या घुरदा कयूं असा सिविल सोसाइटी तरफा या घुरदा कयूं तो उन जो सरकारी खर्च ते इलाज कयो वने आजाद कयो वने उनके पांजे घर जे वेजो छडियो वने तो उही उन जो सही सार संभाल लई सकन था सो ही एकड़ो निज इंसानी मसलो आ ह्यूमैनिटेरियन इशू आ इनते मां समझा तो ये को सियासी मसलो भी कोने ये एकड़ो बुनियादी इंसानी हक जो सवाल आ जेकड़े इन तरीके से इन मुल्क में थींदो रहयो तो यो इन मुल्क जी साख के बलण क़ौमी तौर ते भी नुकसान पुजाइंदो उन सां गड सिंध में जेको दियों दी अड़े किस्म जा वाकया थन था मानन के गुम करण जा उन सां सिंध के अंदर बेचैनी जका है वा वधी रही आ सिंध के मानन में यो एहसास पैदा थी रहयो आ त जण उहे इन मुल्क में धारिया आहिनि जण उहे इन मुल्क जा बराबर शहरी ना आहिनि उन्होंने सा जो सलूक कर तो वे वो मशकूक शहर वो है ते असुरदा क्यों तो बुनियादी इंसानी हकन के मद्देनजर कानूनी तकाजाओं के पेश नज़र फौरी तौर से गुलफकार शाह के आज़ाद कर न रुगो घर पहुँचा वे संदस घर हैदराबाद में है पर हुकूमत पाकिस्तान के न तो हुकूमत सिंध का अस घुर कहीं तो वो तमाम कीमती जहन आ राइटर आ लेखक आड़ो सजे कौम जो जो सो कीमती वरसो थी सके तो उनके तड़े जी बीमारी आने ट्रीटमेंट सरकारी खर्च से उनको किया जी सूरत आ फौरी तौर खत्म थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रायोरिटी दिनी वे जो कॉन्स्टिट्यूशन इन मुल्क की जहाँ श्योरिटी दे तो हर फर्द के उन मुताबिक हर शहरी के हकूक दिनों वे यो मिसिंग करण तुम ये समझो एक मानू के मिस करण उनकी सजी फैमिली के एकड़ी स्टेट के खिलाफ मुखालिफ ठाण के बराबर है अस चाहूँ था तड़े मानू के गुम कर छो या मारे था छो यो मुल्क से मोहब्बत करण जो तरीको ना है यो मुल्क से नफरत करण जो तरीको है तुम उन आज़ाद करो यो कड़ो तरीको है कें गुम कर छड़न उनकी फैमिली जी रोडन से हो प्रेस क्लब से वेठी हो घट में घट उनके आज़ाद कर जेल तया जुडिशरी ठाई है उन्हें उन में आयो तो जी बेहतर रो अस यो ही मुतालबो था कर आज़ाद कर अगवाण वारसन हुकूमत का मुतालबो कुर कई है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की तबियत तमाम नासाज़ा है खेन फौरी तौर से आज़ाद कर सरकारी खर्च से इलाज कराया वहीं वहीद मुस्तफ़ा वाइस ऑफ सिंध टीवी न्यूज़ लंदन हैदराबाद।